वज़ीरे सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। सफाई सुथराई के इंतजामात मुनासिब ना होने पर AMS की सरजनिश भी की गई। मरीजों के इलाज और मुआलजे में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को बेहतर इलाज गाहें बनाने का मिशन है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से यह कहा गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा इस दौरे से मुतालिक। बिलाल से हम राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये दौरा रहा, ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात का उन्होंने दौरा किया है। तफसीला जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है ये महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से और सुबाई में जिला सेहत की भी हिदायत से उनकी जानिब से जो है ये जो एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया है। सुबाई में जिला सेहत ने सफाई सफाई के इंतजाम मुनासिब ना होने के बाद AMS की सर्विस की और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वार्निंग भी दे दी है। सुबह की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अस्पताल लोगों के दौरे के मौके पर मरीजों की अयादगी की। इस मौके पर सुबह की वजह से इसका यह कहना था कि पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआवजे में कोताही को किसी से दूर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि सस्ती अस्पताल लाहौर में मरीजों ने अद्वियात की फरहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराम करने के लिए सरकारी अस्पतालों को अर्ब रुपये का बजट देती है और पंजाब के सरकारी अस्पतालों को बेहतर इलाज गाहें बनाने का मिशन भी है। वही वजीर का मजीद कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश चला रहे हैं, जबकि पंजाब के सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी में मरीजों को हर किस्म की अद्वियात मुफ्त फराम कर रहे हैं और पंजाब की आवाम को सेहत सहूलत कार्ड फराम करने का मकसद ही सेहत की बेहतर सहूलियात फराम करना है। बिलाल, अपडेट करने के लिए।